पेट में सरा रहा हूँ। छोट के मामा की बात करें कि छोट के मामा आलू भी सक पेट में सरा हुई देखी भाई भी आवली बहुत रोटी भी बार पोई अड़ी खाती खुद ही बंदा ने मार मुझे थोड़ा देखो कोई छोरा की करके काम ही भी कही है पर अब अच्छा के का हां पापा का और मम्मी का खुद का और आपका दोनों भर दिया कहे बड़े बेटा देर गई थी और वो चांद के कोठा गया फिर मामा बे देर गया है पापा ने मत बता जे पापा ने बता दी तो मैं एक शॉट हो दूंगी बोले मम्मी तू कड़े गई ना मन तो खेते हेड़ा बाप कन जा मैं कौन तारी मम्मी मम्मी को नहीं मना करती। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज के डेल। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसको आप पूरा सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। घटना ही ऐसी है कि आजकल एक नया कानून आया है, एक नया लव रिलेशनशिप में रहने का एक ऐसा कानून बनाया से आज एक घर है वो बर्बाद हो गया है। बात है सीकर जिले के एक गांव की। अभी मैं हूँ खंडेला में और खंडेला का एक गांव है ये। भाई साहब है, क्या नाम है आपका? बंसीलाल का घर है, इसी वजह से खराब हो गया। बड़ी ही घटना बताऊं मैं आपको। इनकी दो बेटियां हैं जिनके दो बेटियों की माँ को प्यार का इतना चस्का चढ़ा कि उसने अपनी 9 साल की और 5 साल की बेटी को छोड़कर, बिलखती हुई रोती हुई छोड़कर थाने में ये कह के चली गई किसी और के साथ कि मैं इनको नहीं जानती हूँ और आप बेटा अपने पापा के साथ रहो। ये छोटी छोटी बेटियाँ हैं, क्या जानती हैं। बड़ी ही बात करें समाज में, आज समाज की शोर जा रहा है। 10 साल जिस महिला को शादी किए हुए हो गए, 2 मिनट में अपनी बेटियों को ये कह के चली गई कि मैं इनको जानती नहीं हूँ। जानने की कोशिश करेंगे, चाहते हैं इनके एक गुहार है कि अगर वो वीडियो देख रही है तो वो वापस आ जाए। ये परिवार उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा, जब उसने इतनी गलतियां कर दी हैं फिर भी ये परिवार है उसे माफ करने के लिए तैयार है। चौथी चौथी फोटो का नाम है काजल। काजल पिताजी का बंसी। बंसी बेटा, जब मम्मी कहाँ गई थी, क्या कह के गई थी? मैं बोले मैं पेट में सरा रहा हूँ। छोट के मामा की बात करें कि छोट के मामा आलू भी सक पेट में सरा हुई देखी भाई भी आवली वो तो आया हाथ को नहीं मेरे बापू को कहते देर तो बाहर देखे हो वो आयो को नहीं चल गई भाई कड़ी फोन लगावा लगे फोन को बंद पे पापा ने फोन करिया बोली मैं ओहदे पे पूछूंगी मेरा फोन बंद ले लो पर मेरे पापा बिल लगाया 5 बजे ने वो फोन बंद ही बंद बता रहे हो। बेटा कहीं खेल गई लास्ट में जाते टाइम खेल गई थी पेट में सला रहा हूँ सास तल पे देर गई थी और वो चांद के कोठा गया फिर मामा बे देर गया है अले ना माता का जान जोत में कर डाल दियो। अच्छा जो जन्माष्टमी नवरात्रम। हाँ और बेटा कपड़ा उपड़ा जला गई खाली मम्मी आपका भी जला गई नहीं कब मेरे पापा का भी जला गई जी टाइम पे बोले क्या जला बोली पापा ने मत बता जे पापा ने बता दी तो मैं चोट हो दूंगी बोल गई मैंने तो काल जिया थे बड़े गए कि क्या बोले थे मैं बोले मम्मी तू कड़े गई ना मन तो खेते हेड़ा बाप कन जा मैं कौन तारी मम्मी मम्मी को नहीं मना करती पहले भी बेटा प्यार सु रात ठीक मारती सन मारती मन तो मारती कती साल सु पहले सु पहले सु मैं तो जलन की मेरी माँ का नहीं लेती दादी के लेता थे बाबू थे कुल के लेता मम्मी कल मम्मी कल ठीक काल थे भी गए बट थैंक यू फिर मम्मी काल दुख दे गिरी मेरे तो दुख दे गिरी अब कहीं बेटा मम्मी ने कहीं का बताओ ये मैं मम्मी दोती आ जाए सी पापा ने माफ कर दे रहा बेटा याद आओ मम्मी की देखेंगे आप कितनी बड़ी विचित्र घटना है। जब ये बेटियां कल पूरे गांव के लोगों के साथ थाने में गए थे तो महिला ने ये कह के इन्हें निकाल दिया कि जाओ मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, आपके पिताजी के पास जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा बन इलाल।
कहाँ का रहने वाले? बंसीलाल जी, कब आपकी शादी हुई थी और आपकी? मेरी 2014 में हुई। 2014 में? हाँ जी। कब से चल रहा था ये लफड़ा किसी और से बात बात करने का? बाद में चल गया, 5-4 साल बाद में। शादी के 5-6 साल बाद? हाँ। तो रेगुलर यही रह रही थी क्या? हाँ, ये रही। अच्छा, अब बा जी हाँ, कद 18 सू गई? 9 तारीख और गई। 9 तारीख के नहीं कह गई पूरे ये मु पेट में, मेरा पेट में दर्द हो, मैं अड़ा रहा हूं। ठीक है जी, टाइम मुझे आराम पर सिकर काम पर। हम्म, अच्छा क्यों हो गया जान माता भी आ दोनी भाई, दोनी भाई भाई साथ ही जी। हम्म, कहीं खेल गए थे सु? ये मु पेट में दर्द हो रहा है, मैं अड़ा रहा हूं। दादी जी जी टाइम वाला बैठा सु गए 8 तारीख थे कटे हां 9 तारीख मैं ध्यान की गेड़ी ही मेरी। अच्छा, अरे बच्ची मेरे के नाड़ी घरानी ही ना बच्चा ने मुके भाई नहीं आ रही रही जम कर मैंने बोला भाई ने बोली कि मैं पेट में सला रहा हूं भाई और मार जाऊंगी। अच्छा, आज है हूं आज जागो सुबह में काका की बेटी ने सागा जाऊंगी। कठे गई जी पेट में सलावा था बूढ़ा? अरे आसपास में कठे कुछ भी डॉक्टर ना? अरे तो लाल लाल दवाई से क्यों लिया थी? तो वो पहले भी दिखा हो जाती है थोड़ी दूर तक, एकली चल जाती थी? एकली जाती बा पाड़ियो पर नहीं बेर पाड़ी नजर में बेली मुका पर थाना में तालो बर बर करवा रहा है मुको। अच्छा, जिन पास पत्र में कर पड़ियो थाना में गया पास आई। अच्छा, थाना में आगी बा कदाई काला ही है? काला ही? हाँ। तो वो लड़कों के साथ है? लड़को सागो हो। अच्छा, तो ते कहीं बिन खिया की भाई करा चाल? हाँ खियो हो। कहीं की फिर बा? मेरा परिवार सारो गयो हो। अच्छा, सारे दिन ये बोला कि तुम नहीं बेबर ग्रांड चल चाल के तेरी गलती मारी गलती है तेरी कुन्याल करना मैं जाऊंगी कुन्या के मी के माफ कर रहे थे अति हुए आवाज में। हाँ अच्छी माफ हो कर ली नहीं तो ए भाई और भी जी बट भाई राने में मिल लेगी मुसा गई। अच्छा, पाड़ी की किन छोड़ दे बच्चे रोई के? अच्छा, आने लेने आने में ले जावे बगा पगम के दिमन पकड़ के टावरन अगर मेरी कुनी फिर पर चल रे सुखी नहीं तो भाई ने भी एक हां तो टावरन देख लो दिल पसी जाए मुको ना जरी कुनी करी बात नी जरी कुन भर देखिया गन। अच्छा हां, हर मुके में जाऊं कुनी कस मुझे एक ही जाऊंगी क्यों? अच्छा, जब यो त थोड़ी उम्र सानी रोटी दी नी ये जियो मेरे बेटो ही हो मुको करना कौन तो भाई जिया पहला भी कहते पडेड़ा जगे पे पडेड़ी ही बा और ए खुद थर बेटो पडेड़ो जगे। हां मेरे बेटो भी पडेड़ो है थोड़ो आठी आठी और भाभी आठी पडेड़ी। हां तो इसु पहला भी कहती के बा कि भाई तेरा बेटा ने छोड़ जाऊं ली कौन रोटी पहले तो कौन खी बा कहीं कदे पहला खी को 1.5 साल से पास है खबा लगे 1.5 साल से कह रही जी भाई कौन रोटी कौन। हां तो ते समझाता कि फिर घणी समझाती मैं मारी जानी कि मेरे जे ठाणी से आया समझाती मुनिए मन कर मुनिए मन कर देते ससुर ते सासन क्यों खेरा कोनी तेरो मुटियार क्यों खेरो कोनी तो जो ठीक है ना कुछ ही कौन करता मार तो हाथी को लगाए भी फिर काय बजे भी दादी जी की मैं अटक गया मैं तो आपको मनसुई कर लीनी बात तो पहला भी कोई सुकून उन पे बात बात करता की करी ही पहला। हां करती बात तो भी लड़का ऊपर पट देगे वो पहली सु करना जी को तो भी को तो पेट हर अब करे ना जी का को मान भी रोक ले। अच्छा, तो पहला जी है कोई हिसाब पहला भी भाग भाग गई गई ही दो ही पहले तो लगी उम्र लेगा उम्र घनी खी मनी थे तो कन्याकान तो देख रोई रोए दिन तो डोल बोकरे रात मुन्नी देख तेरे सासू बीमार रहा है आ तो लेरा नहीं मर जाती तेरो 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 सकी भाई एक लीजिए मतलब हाँ तेरो तेरो भी अब कहीं का बचाओ तो बिन अगर बता रहे वीडियो देख रही हो अब मैं तो ये खबर तो भाई ये बर तो तू माले घर आ जा
तना तो खाय के तना सुबह ओ छोरो को ध्यान की करे जड़े लाओ कमरो दे दिसिया सी करे कती साल से काम करे सी करे इन होगा तीन वर्ष होगा अपने काम करते तीन साल से दो चार दिन से महीना दो महीना आया आप तो ही रहे तो कना पांच दिन सो चाहे कना छह दिन सो अब से बैठे भी रहे बतन आंख बतन के और पहला बात खट्टी की भाई वो सी करी के साथ ही रूम ना कोई कहियो हां कोई कहियो मान तो ना का पीर का रे भी आया कि बट काल आया बाकी भी कुछ मन नहीं ना वो भी बनाए रो रहा है कल दिन दिखार के आता वो देखो आता तो ब्याह आटा खत्म करेंगे हां आटा खत्म ही करेगा कोई भाई काटा सटा हो गया फिर भी घर खराब हो हां फिर भी घर तो कल कहीं क्या पुलिस वाले पे ठगा जाना बोली अरे बोलिया माने नहीं ओई कोई की कुन माने कोई की कुन माने हां जी या तो भाई बात बतलाया थी बाबा ठेजा बचाओ हां अगर बा थारो वीडियो देख रही हो है तो ते बिन कहीं का बचाओ जो ए बाबा घर पड़ा जाओ माफ कर दो हुई माफ कर दो और अगर बा घर नहीं आबो चाहे टाबरन साल ले जाबो चाहे तो भेज देगे थे हां भेज दो टाबरन कौन भेज दो पालो ना थे पालो ना मैं मार जान छोरन कौन भेज दो छोरन भी साहब कौन भेज दो बा लेट जाए तो भी कौन भेज दो ना लेके भी कौन भेज दो मुझे मेरा सही पालो हां मुझे मेरा नहीं पालो टाबर पहला सु माने कौन सा के मान टाबरन कौन सा के बा साथी पहली तो अच्छा हां तो प्यार सु रंग सी भी आई है रंग सी प्यार सु रंग सी अच्छा और पास ही करी है नहीं अब देखेंगे समाज किस ओर जा रहा है दो छोटी छोटी बेटियां हैं उन्हें छोड़कर किसी और के साथ जब वो रहने लगी है आज 6-7 दिन की बात हो चुकी है हम आपको अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी बेटी बेटियों के साथ जरूर देखें वो रोती हैं शाम को जब भी सोती है उनको माँ की याद आती है माँ की ममता बड़ी प्यारी होती है अपने बच्चों पर तो शायद दिल पसी जाता होगा आपका फिर भी अगर आप इस परिवार की ये मार्मिक रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं उस महिला तक भेजना चाहते हैं तो आप जरूर भेजें उस महिला ने एक घर तो खराब कर दिया है कोई दूसरा घर खराब ना करे नहीं चाहता हूँ उन बेटियों के से बात करना चाहता हूँ लेकिन जब मैं यहाँ आया था वो बेटियाँ कह रही थी कि हमें 750 रुपये देखी गई है मेरी मम्मी और ये कह के गई है कि आप कहीं भी जाओ तो चीज़ जरूर खा लेना दो बेटियां घर में थी उनके सामने से उनकी माताजी चली गई उसने सोचा भी नहीं कि मेरे जाने के बाद इन बेटियों का क्या होगा